अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हकीम खान। और दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ के बारे में, जो कि अगर आपके अनवांटेड हेयर है कहीं पर भी, चाहे आपके होंठों के ऊपर अनवांटेड हेयर हो या फिर आपके जो है कुछ लोगों का क्या होता है कि कान के नीचे के आसपास बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, या फिर चेहरे पर आपके कहीं पर भी बाल है, या फिर आपके जो है नीचे भी बगल में भी बगल के जो हेयर है उनको भी जो है रिमूव कर देगा ये, आपके जो हाथों के बीच में जो बगलें होती हैं वहाँ पर, या फिर नीचे के बालों को भी अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो नीचे के बाल जो होते हैं वो भी इस नुस्खे से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और ये नुस्खा इतना इफ़ेक्टिव है कि बहुत ही ज़्यादा, इसको आप साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है इसका, आपको दर्द भी नहीं होगा और इससे आपका कलर भी नेचुरली गोरा हो सकता है, क्योंकि ये नुस्खा उस चीज़ पर आधारित है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं दोनों ही इस नुस्खे में मिलाई जाने वाली। तो अगर आप कहीं पर भी अनवांटेड हेयर है और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं या फिर नीचे के बालों को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस नुस्खे को ज़रूर आजमाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को अभी कभी, और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या है आखिर वो नुस्खा जो कि आपके जो बाल हैं उनको, अनवांटेड बाल हैं उनको परमानेंटली रिमूव कर देगा और आपको फिर जो है जो शर्मिंदगी महसूस होती है वो आपको नहीं होगी, क्योंकि अक्सर अनवांटेड हेयर अगर आपके होंठों के आसपास होते हैं, खासकर लेडीज़ के, तो शर्मिंदगी होती है उनको। तो दोस्तों, इसमें हमको चाहिए अखरोट। अब ये अखरोट बहुत चीज़ों में काम आता है, दर्द में भी काम आता है, इसके अलावा अगर आपको जो है ताकत की कमी है, आपके अंदर कमजोरी महसूस होती है आपको, तो वहाँ पर भी काम आता है ये, लकवे में भी काम आता है ये, बहुत ज़्यादा जगह काम आता है। तो इसको अखरोट को आपको लेना है, अखरोट की जो गिरी है उसको आपको खा लेना है, ठीक है। नॉर्मली खा सकते हैं आप, तंदुरुस्त है तब भी आप इसको खा सकते हैं। और जो इसके छिलके हैं वो इसके छिलके इकट्ठे कर लेने हैं, कम से कम 10-12 अखरोट के छिलके आपको इकट्ठे कर लेने हैं। उनको किसी, आप जो है एक जालीदार बर्तन लीजिए, जालीदार बर्तन हमारे घर में सब घर में होते हैं आजकल, आटा छानने की छलनी होती है या फिर कोई जालीदार बर्तन हो उसमें ले लीजिए, उसमें रख कर आप इनको अखरोट को जलाएंगे चूल्हे पर, ठीक है। जलाने के बाद, या फिर आपके पास जालीदार बर्तन नहीं है तो आप एक एक करके चिमटे से पकड़ के जला सकते हैं, ठीक है। जलाने के बाद इसको जो है ठंडा कर लेंगे, इसकी राख को आप जो है, अब इसकी राख को आप बारीक पाउडर कर लेंगे, इसको बारीक पाउडर करके राख बना लेंगे। अब इस राख में आपको जो है, अगर आपने एक चम्मच राख ली है इसकी, तो इसमें 1 से 1.5 चम्मच आप शहद मिला लीजिए, बस गाढ़ा पेस्ट करना है इसको आपको। शहद इसलिए मिलाया जा रहा है ताकि आपके जो बाल है वो चिपक कर साथ में आ जाए, ठीक है। तो गाढ़ा पेस्ट जब बना ले आप इसका, लगभग ऐसा गाढ़ा पेस्ट आपको उसको बना लेना है, ये तो मैं ऐसे ही कोई इमेज दिखा दे रहा हूँ आपको, लेकिन गाढ़ा पेस्ट आपको ऐसा बना लेना है इसका, ताकि आप बिल्कुल गाढ़े पेस्ट को अपने जब चेहरे पर लगाए। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये भी ज़रूरी समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके चेहरे पर आसपास है तो आप इसको लगाएंगे और आधा घंटा लगने रहने देंगे, उसके बाद आप इसको रगड़ के भी उतार सकते हैं हथेली से, या फिर धोकर भी उतार सकते हैं। रगड़ कर उतारेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो बिल्कुल बाल आपके जड़ से साफ़ हो जाएंगे। दिन में 3 बार आप इसको लगाएं और 2 से 3 दिन आप इसको लगातार लगाएं, ठीक है। और अगर आपको नीचे के बाल इससे रिमूव करने हैं उसके लिए भी आपको कम से कम इसको 2 से 3 बार लगाना होगा। और अगर महिलाएं इसको इस्तेमाल करेंगी तो उनको दूसरे भी फायदे होंगे, जो उनकी योनि है वो भी जो है, अगर वो ढीली है तो वो भी टाइट हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है दोनों ही तरीके के लोगों के लिए, जिन लोगों को जो है समस्या चेहरे पर है, चेहरे पर अगर आप इसको लगाते हैं तो ये आपका रंग भी गोरा करेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ अभी के अभी पहले ही, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल ना जाइएगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकती है, सहायता कर सकती है, तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए आपका।